नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है और वो यह है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले भाजपा के उम्मीदवारों की वीडियो जो है इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रही है और इन्हीं वायरल वीडियोज को कांग्रेस एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर रही है। कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ती है इन वायरल वीडियो के ऊपर मौका भुनाने का और भाजपा सरकार को निशाना बनाने का। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए उसे किसान विरोधी सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का घटक एनडीए का जो घटक था और अकाली दल और शिवसेना सब बाहर हो रहे हैं, धीरे धीरे कर कर सब बाहर हो रहे हैं, किसान अपने ही खेत के अंदर बंधुआ बनकर रह जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शिवराज सरकार ऐसा कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर वो किसानों को खरीदने की कोशिश कर रही है। साथ ही पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा है कि शिवराज सरकार बार बार झूठ बोलती है। फसल बीमा का जो पैसा है वो कमलनाथ जी के समय का था, इसमें शिवराज सरकार का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि शिवराज सरकार के पास पैसा ही नहीं है। वो हर महीने 1000 करोड़ का लोन लेती है और उसके बाद उसको निपटा देती है और उसको भ्रष्टाचार करके उन पैसों को ठिकाने लगा देती है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के वचन पत्र पर भी तंज कसते हुए पीसी शर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार केवल झूठ पत्र लेकर आती है। अभी तक इन 15 सालों में जितनी भी बातें भाजपा सरकार ने कही है वो सभी झूठी है। साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि जो रोज रोज ट्रांसफर और नई पोस्टिंग हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भोपाल के मंत्रालय से जितने भी पोस्टिंग हो रही है वहां पर उन्हें आचार संहिता लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पोस्टिंग और जितने भी ट्रांसफर्स जो है वो भोपाल से ही हो रहे हैं और उन्हें इस पर रोक लगाना जरूरी है। तो ये था मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हमारा अब तक का अपडेट और अन अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।